जाएगा, बस थोड़ा लैगनेस देखने को मिलेगा अगर आपके पास इसके लिए ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, क्योंकि इसका ओरिजिनल साइज जो है 6.2 GB समथिंग है और आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, कोई लिंक क्रैक्स, कोई लिंक शेयर, ऐसा वैसा कोई एड फ्लाई का लिंक नहीं है जिससे कि आपको एड देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं है। बस आपको वन क्लिक डाउनलोड ऑप्शन दिया जा रहा है। ओके, तो एक क्लिक में आप डाउनलोड कर लेंगे। सारे पार्ट्स दिए गए हैं, कुल मिला के 11 पार्ट्स हैं, 600 MB का, 600 MB का आपको 11 पार्ट्स डाउनलोड कर ले। ओके, तो एक क्लिक में आप डाउनलोड कर लेंगे। सारे पार्ट्स दिए गए हैं, कुल मिला के 11 पार्ट्स हैं, 600 MB का, 600 MB का आपको 11 पार्ट्स डाउनलोड कर लेना है। लास्ट जो पार्ट है वो कम MB का आता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये आपका मिनिमम 2 GB जो रैम है उसके 2 GB RAM में भी चल जाएगा फ्रेंड्स। ये मिनिमम है फ्रेंड्स, मिनिमम आपका इतना होना ही चाहिए। और जो CPU है इंटेल कोर 2 Duo होना चाहिए, i5 हो, i7 हो, जो भी हो आपका चल जाएगा, बस इंटेल कोर 2 Duo होना चाहिए और उससे ऊपर होना चाहिए। ओके, और CPU अच्छा खासा, मतलब कि जो आपका 32 बिट में भी ये चल जाएगा Windows XP के ऑन Windows Vista, और मतलब कि रेकमेंडेड तो है हमारा Windows 7, 8 सब कुछ, लेकिन Windows XP में भी चल जाएगा। और आपका ग्राफिक्स कार्ड इस गेम के लिए होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। रेजिडेंट इविल 6 को खेलने के लिए आपकी ग्राफिक्स कार्ड भी होना ज़रूरी है, मतलब कि मिनिमम 1 GB ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, थोड़ा तो होना ही चाहिए ग्राफिक्स कार्ड इस गेम को अगर आप खेलना चाहते हैं अपने लो एंड PC में। तो फ्रेंड्स, इसका मिनिमम जो रेकमेंडेड रैम है, जो क्या कितना रैम होना चाहिए रेकमेंडेड, वो है 4 GB। ओके, 4 GB रैम रेकमेंडेड करूँगा मैं आपको। और CPU आपका इंटेल कोर 2 Quad होना चाहिए, क्वाड मतलब कि इंटेल i5, अभी तो माना जा रहा है इंटेल i5 को, i5 का अगर आपके पास प्रोसेसर है तो मिनिमम आप सभी गेम्स को खेल पाएंगे अपने PC में। और ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम 1 GB अगर होगा आपका PC में तो आप सभी गेम्स को लगभग खेल ही सकते हैं। बस अगर हम GTA 5 को छोड़ दें तो उसके लिए हमें GTA 5 के लिए 2 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, अगर हम अच्छी तरीके से उसको प्ले करना चाहते हैं तो। GTA 5 के लिए तो मिनिमम हमारा 2 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, रिकमेंडेड है 4 GB, और वो भी अच्छे बिट के साथ आना ही चाहिए, 128 बिट, या फिर उसके भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं, बट उनको छोड़िए, अभी हम फोकस करते हैं रेसिडेंट इविल 6 पे। गूगल ड्राइव का लिंक है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको सभी पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसके अंदर सेटअप भी मिल जाएगा। सेटअप का क्या करना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं फ्रेंड्स। ओके, सेटअप को मिलने के बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो जहाँ पे भी आप ब्राउज करना चाहते हैं वहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका गेम चल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसके बाद WW2K17 के ऊपर आने वाला है। बस मैं लिंक्स दूंगा आपको, आपको डाउनलोड कर लेना है मेरे दिए हुए लिंक से। क्या हुआ कि मतलब कि WW2K17 अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनेगा। तो आज ही के आज मैं WW2K17 के लिंक्स आपको दे दूंगा अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के 2 घंटे के बाद हमारा अगला वीडियो रिलीज़ होगा इसी चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं 2 GB के पार्ट्स में WW2K17 को, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे उस वाले वीडियो को, देखना ना भूलें। इस वीडियो को 2 घंटे के बाद वो वीडियो आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इस वीडियो को 2 घंटे पहले मतलब कि बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो अभी तक आ चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं, मैं एक दो सीरीज़ नए सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एक हाई PC गेम्स के लिए और एक लो एंड PC गेम्स के लिए, मतलब कि